दोस्तों, आज हम लोग ऐसा एक पेनिशेयर को लेके बात करने वाला है जिसका प्राइस बहुत ही कम है और इसको जो है ये स्टॉक आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, ये स्टॉक को मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक को मैं आप लोगों के सामने क्यों पेश कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो कंपनी है दोस्तों, ये इसका ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक सरकारी कंपनी है, और ये कंपनी के अंदर इतना अच्छा पोटेंशियल है कि ये आगे जाके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिर्बान, मेरा चैनल पेनी बास्केट में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। मैं मेरा चैनल में ऐसे ही बहुत सारा पेनी स्टॉक को लेके डिस्कस करते रहता हूं, जिसका पीछे अच्छा लॉजिक है, जिसका पीछे अच्छा रीजन है, जिसके पास इतना अच्छा पोटेंशियल है। तो मैं ऐसे ही पेनी स्टॉक को लेके ये चैनल में बात करता हूं। ये चैनल में आप नए हैं तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा पेनी स्टॉक मिल जाएगा और आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सामने ये स्टॉक इसी के लिए लेके आ रहा हूँ कि इसके पास आप इतना सा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी के पास क्या क्या अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कंपनी का क्या क्या वैल्यू है वो प्रोजेक्ट्स का, मैं सब कुछ आपको शेयर करने वाला हूँ। पहले थोड़ा सा बहुत ही कम टाइम में मैं आपको इसका प्रोजेक्ट का बारे में बता देता हूँ कि इसके पास अभी कितना प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं इसको बता दूँ तो आपको जैसा दिख रहा है कि इसका ब्रिज वर्क में भी चल रहा है, कि बहुत सारा जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका ब्रिज वर्क चल रहा है, इसका डबलिंग चल रहा है, उसका डबलिंग में भी, ब्रिज वर्क में भी इसका 4 प्रोजेक्ट चल रहा है, डबलिंग में भी टोटल आपको जैसा सीरियल नंबर यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है। मैं इसका सबका नाम पढ़ के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको जैसा दिख रहा है यहाँ पे 76 प्रोजेक्ट चल रहा है ओनली डबलिंग का, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोजेक्ट्स का चल रहा है, इसमें भी आपको जैसा दिख रहा है कि इसमें 25 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गेज कन्वर्सेशन का प्रोजेक्ट, MTPs, न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन, मशीनरी एंड प्लांट न्यू लाइन का, एंड इसमें अदर इलेक्ट्रिकल वर्क, अदर स्पेसिफाइड वर्क, अदर उसके बाद जो है इसमें भी आपको रोड सेफ्टी वर्क्स लेवल्स का, उसके बाद रोड सेफ्टी वर्क्स ROB का, उसके बाद आपका ट्रैक रिन्यूअल्स, ट्रैफिक फैसिलिटी ट्रेनिंग HRD एंड ऐसे ही वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, ऐसे ही बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट्स का कितना वैल्यू है, मतलब ये कंपनी के पास आज का दिन में इतना प्रोजेक्ट्स है तो ये कंपनी आगे कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों, मैं ये कंपनी का जो है नाम आप लोगों के साथ कुछ देर में शेयर करने वाला हूँ, उसका पहले जो है ये कंपनी का कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4,452 करोड़ है। दोस्तों, आप समझ सकते हो एक पेनी स्टॉक के लिए ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कितना बड़ा है। इसका करेंट प्राइस जो है 21.35 रुपया चल रहा है, इसका 52 वीक्स का जो हाई है 29.3 एंड 52 वीक्स लो है 10 रुपीज़ का। ये BSE एंड NSE दोनों में लिस्टेड है और इसका फेस वैल्यू वगैरह, डिविडेंड यील्ड, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। इसका मैं ग्राफ का बात करूँ तो आपको जैसा मैं बताया कि इसका जो है टोटल इन्होंने जो है इसका 52 वीक्स हाई लो जैसा बताया उसी का हिसाब से आपको दिख रहा है, और ये जो है 10 रुपीस तक इन्होंने डाउन मारा था। फिर आप देख सकते हो मई 2020 से अगस्त 2020 तक इन्होंने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। इसका मैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं आपको जैसा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ इसी का हिसाब से मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका मैं कुछ इसका कंपैरिजन का बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपैरिजन में जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कंपनी इसका कॉम्पिटिटिव में है, जैसा PNC इंफ्राटेक, KNR कंस्ट्रक्शन, NCC, PSP प्रोजेक्ट, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, तो ऐसे ही बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी इसका कॉम्पिटिशन में है। तो ये कंपनी के अंदर इतना अच्छा पोटेंशियल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट का बात करूँ तो यहाँ पे चौंकाने वाला एक बात है कि इन्होंने कभी भी लॉस बुक नहीं किया। इसका नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो लास्ट क्वार्टर का जो जून 2020 का जो है इसका प्रॉफिट है 141 करोड़ है। इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का भी बात करूँ तो इसमें अच्छा सा प्रॉफिट इसमें बुक किया है। तो ये कंपनी के अंदर आप खुद सोचिए कि ये कंपनी के अंदर इतना सारा प्रोजेक्ट है तो ये तो अच्छा प्रॉफिट करने वाला है दोस्तों। इसका मैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का आपको एक्सपेंस का भी बात करूं तो एक्सपेंस जरूर बढ़ा है, लेकिन उसका हिसाब से जो है इसका सेल्स भी ग्रोथ हुआ है। तो जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ होगा तो उसका एक्सपेंस तो थोड़ा बहुत जो है उसका बढ़ेगा, लेकिन उसका हिसाब से इसका प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा इन्होंने रिटर्न प्रॉफिट किया है।
तो दोस्तों इसका मैं आपको अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करता हूँ। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको दिखेगा कि प्रोमोटर्स ने 87.84% जो है होल्डिंग करके रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रोमोटर्स इसमें बहुत ही बुलिश है और इसमें बाकी FII, DSN, पब्लिक का परसेंटेज आपको दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये स्टॉक का जो नाम है दोस्तों मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये स्टॉक का जो नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL। यस दोस्तों, इसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड और ये स्टॉक जो है बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है और इन्होंने जो है आपको जैसा दिख रहा है कि रेल विकास निगम लिमिटेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ इंडियन रेलवेज हुज टास्क इज टू बिल्ड इंजीनियरिंग वर्क्स रिक्वायर्ड बाय इंडियन रेलवेज। तो टोटली ये इंडियन रेलवेज के साथ कनेक्टेड है, तो आप खुद सोचिए जो कंपनी इंडियन रेलवेज की का साथ कनेक्टेड है एंड इंडियन रेलवेज का जितना भी काम है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट से इसको मिलता रहता है, तो इसको इसके पास अभी आज का दिन में इतना सारा प्रोजेक्ट्स है, तो आप ये जो कंपनी है कितना अच्छा प्रॉफिट, इतना अच्छा रिटर्न आगे जाके दे सकता है। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि ये स्टॉक को जो है आपका पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रैटेजी यही होगा दोस्तों। इसका जो फास्ट टारगेट रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसका स्ट्रैटेजी पहले मैं शेयर कर देता हूँ। इसका स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि ये स्टॉक में आप पहले ओनली 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद इसका जो फास्ट टारगेट रहेगा वो 25 रुपीज़ रहेगा। अभी इसमें एंट्री कीजिए 21.3 में, जैसा ये स्टॉक 25 रुपीज़ में पहुंचता है फिर उसके बाद आप जो है इसमें 500 या 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको जो है ऐसा स्ट्रैटेजी में पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है और इसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता रहना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सबके साथ शेयर कीजिए। और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जरूर आपका फाइनेंशियल प्लानर से बात कर लीजिए, उसके बाद ही जो है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मेरा चैनल में नया है, मेरे को अभी आप मेरा बातें को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन है उसको सिलेक्ट करके रखो, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा आपका मेल में या आपका ऐप में। थैंक यू दोस्तों।